वेलकम टू मारे फ्यूचर फाइटिंग द इंडिया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन की बरसात हो गई आज, तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है एक के बाद एक, क्योंकि अपडेट आ चुका है। और उसके बाद में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर एक प्लेयर्स की, हर एक व्यूअर्स की, हर एक सब्सक्राइबर्स की क्वेश्चन के आंसर का वीडियो दे सकूँ, जवाब दे सकूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने स्टोरी मिशन क्लियर कर रहा था, मतलब क्लियर कर रहा था क्लियर टिकट से, तब कैरेटे की एचपी इंक्रीज हो रही थी। तो वैसे मेरे हीरो की एचपी नहीं इंक्रीज हो रही है, प्लीज़ हेल्प मी। तो वीआईपी वन होना ज़रूरी है भाई, मेरे ख्याल से हाँ वीआईपी वन होना चाहिए, तभी काम करेगा। क्लियर टिकट यूज़ करूँगा तब। उसके बाद में डॉक्टर स्ट्रेंज का यूनी बाय करना है या नहीं। डॉक्टर स्ट्रेंज का यूनी अच्छा है, लेकिन उसका जो ओल्ड वाला सूट है, डॉक्टर स्ट्रेंज का जो मूवी वाला, वो सूट ज़्यादा बेटर है, क्योंकि उसके उसके स्किल्स नंबर 4 में वो डॉच करता है, हर जगह रिप्लेस होता है और बच के आता है, डॉच करता है। तो इस बार उस स्किल 4 में डॉच का ना इनविजिबल का दिया हुआ है, ना माइंड डैमेज का दिया हुआ है, और ना कुछ और दिया हुआ है। तो इस बार उसका स्किल 4 यूज़लेस मैं मान लूँगा, क्योंकि थानोस के सामने स्किल नंबर 4 चल नहीं पाएगा, टिक नहीं पाएगा, 2 मिनट भी नहीं, 1 सेकंड भी नहीं टिकेगा। तो ओल्ड सूट ज़्यादा बेटर है न्यू सूट से कंपेयर करें तो न्यू सूट ना ले तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मैंने ऐसे ही ले लिया, क्योंकि वो सस्ते, सबसे ज़्यादा सस्ता वही था, 300 क्वेश्चन में वाला उठा ले, बाद में जो होगा देखा जाएगा। तो आप लोग बाय मत करना प्लीज़, हो सके तो, क्योंकि आपको और भी बहुत इंपॉर्टेंट सूट बाय करने हैं। मैं वीडियो बना चुका हूँ, प्लीज़ जाकर दे सकते हैं। और वीआईपी वन होना ज़रूरी है, उसके बाद वो वर्क करेगा जब आप क्लियर टिकट यूज़ करोगे। तो ये क्लियर टिकट आप यूज़ कहाँ कहाँ कर सकते हो, वहाँ वहाँ कैरेटे की एचपी इंक्रीज होंगी, लेकिन आपकी जो लेवल है, जिस लेवल पे आप क्लियर टिकट यूज़ करोगे, वो लेवल, वो स्टेज 60 लेवल की होना ज़रूरी है। अगर डायमेंशन ड्रिफ्ट में जाओगे, वहाँ पर लेवल 1 पे अगर क्लियर करोगे, तो कैरेटे की एचपी इंक्रीज नहीं होंगी। तो आपको 60 लेवल वाली स्टेज चूज़ करना पड़ेगा, 60 लेवल वाली, और वहाँ पर जाकर क्लियर टिकट यूज़ करना पड़ेगा, तब जाकर आपकी कैरेक्टर की एचपी इंक्रीज होंगी। और वीआईपी वन होना ज़रूरी है उसके लिए, वहाँ साफ साफ मैंने वीडियो में दिखाया, तो वीडियो जाकर देख सकते, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और वीआईपी वन होने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए वीडियो बनाया, थोड़ा सा वीडियो सर्च करना पड़ेगा आपको, वीडियो के थोड़े और पुराने लिस्ट में जाना पड़ेगा, वहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगी, थोड़ा मेहनत करो मिल जाएगी। सेम क्वेश्चन भाई, वीडियो बना चुका हूँ, वीडियो जाकर देख सकते हो। वीडियो बना चुका हूँ टायर 3 कैसे करते, उसका भी बना चुका हूँ, पोटेंशियल लेवल के बारे में उसका भी वीडियो बना चुका हूँ। थोड़ा सा ओल्ड वाले वीडियोस में जाके देखो, सर्च करो, थोड़ी सी मेहनत करनी है, कंजूसी मत करो, थोड़ा सा देखो जाकर, वहाँ पे आपको वीडियो की लिस्ट में मिल जाएगा। और भाई आप तो मेरे फेवरेट हो, आपका कैसे नहीं होगा, वीआईपी वन हो जाओ, हो जाएगा। उसके बाद में कौन से वीडियो में कमेंट किया था, बेस्ट कॉमिक कार्ड, अच्छा इसमें मैं शायद मैंने वॉइस नहीं डाला था, बेस्ट ठीक है, मैं देखता हूँ, उस पर मैं और एक वीडियो बना दूंगा। लेकिन कॉमिक कार्ड का मैं जब भी वीडियो बनाता हूँ, ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते, कोई देखता नहीं है, तो मैं कॉमिक कार्ड पर ज़्यादा वीडियोज़ नहीं बनाने वाला अभी, आगे से तो नहीं। डॉक्टर स्ट्रेंज का अपडेट तो ठीक है, लेकिन उसके अंदर कुछ खास स्किल्स थे ही नहीं, इसलिए उसका सबसे ज़्यादा सूट सस्ता था, 80% डिस्काउंट उसे है ही, वो 10 क्रिस्टल का है, ज़्यादा महंगा नहीं है, 300 क्रिस्टल में दे रहा है वो, उसे कीमत तो देखा जाए तो 10 क्रिस्टल की भी नहीं है। एक्सप्लेन करो हाउ टू इंक्रीज योर कैरेक्टर एचपी ऑन क्लियर टिकट यूज़। तो भाई मेरे भाई वीडियो बना चुका हूँ, आप लोग जाकर देख सकते हो कहाँ गया। हाँ एटी के कैसे इंक्रीज करना है, उसके पे भी वीडियो में बना चुका हूँ, लेकिन वो वीडियो बहुत पुरानी हो चुकी है, उसके लिए मेरे को नया वीडियो बनाना पड़ेगा, और वो वीडियो गलत हो गई है ऐसा लग रहा है मेरे को, तो मैं नया वीडियो बनाता हूँ थोड़ी देर में।
तो अभी नेटवर्क का प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसके लिए अब मैं क्या करूँ। अब एक तो एक ऑप्शन है, अभी लास्ट ऑप्शन शायद ट्राई करके देख सकते हो, गेम को अनइंस्टॉल कर दो, उसके बाद फिर रीइंस्टॉल करो, उसके बाद में प्ले स्टेज प्ले करके देखो, अगर नहीं होता होगा तो फिर आपको दूसरा अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। कुछ हो सकता है वो अकाउंट में एरर आ रहा हो या फिर स्टेज में कुछ प्रॉब्लम आ रहा हो, तो मेरे ख्याल से नेटवर्क का ही प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि गेम में अगर नेट प्रॉब्लम होता कुछ तो सभी के इसमें आता। मैंने भी कल होमकमिंग वाला स्टेज मैंने करके देखा, एवरी स्टेज में ट्राई किया, प्ले किया, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आया। तो हो सकता है आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम हो, एक बार सिम कार्ड स्लॉट 1 से स्लॉट 2 में डाल के देखे, उसके बाद में वाईफाई कनेक्ट करके देखे, उसके बाद में मोबाइल डाटा बंद करके 2G 3G 4G जो भी होगा वो चेंज करके देखो, शायद हो सकता है आपका नेटवर्क फिर से ठीक हो जाए और आप स्टेज प्ले कर पाओ। लेकिन उसी स्टेज में प्रॉब्लम आ रही होंगी तो फिर कुछ ना कुछ गड़बड़ तो ज़रूर है, फिर सभी स्टेज में प्रॉब्लम आ रही होंगी तो फिर नेटवर्क प्रॉब्लम है। तो एक बार ट्राई करके देख लो, और एक बार कोशिश करके देख लो। प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब, और वीडियो बनाना है। थैंक यू।